सकते हैं. Oh, I will die for Jesus Christ. मैं यीशु मसीह के लिए मरूंगा. But you can't even go to church for Jesus Christ. लेकिन आप यीशु के लिए भी कलीसिया को नहीं जा सकते. Oh, why are you so fearful? क्यों आप डरे हुए हैं? How is it that you have no faith? कैसा है जो तुम्हारे पास विश्वास ही नहीं है? Don't you believe that Jesus cares about you? क्या आपको विश्वास नहीं कि यीशु मसीह आपके बारे में चिंता करता है? Don't you believe that he is with you? क्या आपको विश्वास नहीं कि यीशु मसीह आपके साथ हैं? Don't you believe that he promised you? क्या आपको विश्वास नहीं कि यीशु मसीह ने आपसे वादा किया है? Don't you believe that our God who makes the promise will fulfill the promise? क्या आपको विश्वास नहीं जो यीशु मसीह वादा करता है वो उस वादों को वो फुलफिल भी करता है? Our God is a promise making God and a promise keeping God. हमारा परमेश्वर वादा बनाने वाला प्रभु है और वो वादों को निभाने वाला भी प्रभु है. This apostle saw the Lord Jesus having such a power over the nature. और चेलों ने देखा कि प्रकृति के ऊपर परमेश्वर के सामर्थ्य है. And they feared exceedingly. और उन लोग लिखा के डर गए उन लोग. And said one to another. और उन लोग एक दूसरे से कहने लगे. What manner of man is this? लिखा गया किस प्रकार का ये व्यक्ति है. Even the wind and the sea obey him. और जो आंधी जो तूफाने हैं उसकी आज्ञा को मानते हैं. उसकी आज्ञाओं को मानते हैं. What manner of man is this? किस प्रकार का ये व्यक्ति है? That even the sea and the wind obey him. और जो पानी और जो आंधी है वो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं. Let me take 5 minutes to tell you what manner of man is he. और मुझे इस समय कहने दो 5 मिनट में कि किस प्रकार का हमारा प्रभु है. First and foremost, he is not just a man. पहली जो चीज है प्रभु केवल एक मनुष्य नहीं है. He is God who became man. वो परमेश्वर है जो मनुष्य बना. He is not just a man. वो केवल एक मनुष्य नहीं है. He is the creator of heaven and earth. वो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता है. He is not just a man. वो केवल एक मनुष्य नहीं है. In 6 days he spoke and everything came into existence. 6 दिन में उन्हें सब कुछ कहकर सब कुछ हो गया. He is not just a man. वो केवल एक मनुष्य नहीं है. He took the dust of the earth and created a man. उसने मिट्टी को लेकर मनुष्य को बनाया. Not just a man. वो केवल मनुष्य नहीं है. He made a man to sleep and took the rib out of it and made a woman out of it. और उस मनुष्य को सुलाकर उसने पसली को लेकर He's not just a man. वो केवल मनुष्य नहीं है. He divided the Red Sea. उसने समुद्र को दो भाग किया. He's not just a man. वो केवल मनुष्य नहीं है. He fed manna to the people in the wilderness. और जंगल में प्रभु ने उन लोगों को मन्ना खिलाया. He's not just a man. वो केवल मनुष्य नहीं है. He turned the bitter water into sweet. जो कड़वा पानी को उसने मीठा बनाया. He's not just a man. वो केवल मनुष्य नहीं है. He turned the water into wine. और वो पानी को द्राक्षालता में बदल दिया. He's not just a man. वो केवल मनुष्य नहीं है. He raised the dead to life. उसने मरे हुए आदमी को जीवित किया. He's not just a man. वो केवल मनुष्य नहीं है. He makes the blind to see. और वो अंधे को दिखा सकता है. He's not just a man. वो केवल मनुष्य नहीं है. He makes the deaf to hear. जो सुनते नहीं उसको भी सुनाता है. He's not just a man. वो केवल मनुष्य नहीं है. He makes the lepers clean. और जो गंदे जो चीज है उसको भी शुद्ध करता है. He's not just a man. वो केवल मनुष्य नहीं है. He is my savior. और मेरा उद्धार करता है. He became man. वो मनुष्य बना. He took my sins upon और मेरे पापों को अपने पर लिया. And the sins of the whole world. और पूरे संसार के पाप को. And he died on the cross of Calvary. कालवरी की क्रूस में वो मर गया. By shedding his precious blood. अपने रक्त को बहाने के द्वारा. He was buried. वो गाड़ा गया. But he rose again on the third day. उसका दिन वापस जीवित हुआ. He is not just a man. वो केवल मनुष्य नहीं है. He is God manifest in the flesh. वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रहा. He is the King of kings. वो राजाओं का राजा है. He is the Lord of lords. वो प्रभु का प्रभु है. He is the bread of life. और वो हमारे प्राण का जीवन है. He is the living water. वो जीवित जीवन है. He is the first and the last. शुरुआत वही अंत है. He is the alpha and the omega. और वो अल्फा और ओमेगा है. He is the beginning and the end. वही शुरुआत और वही अंत है. He is not just a man. वो केवल मनुष्य नहीं है. He is God. वो परमेश्वर है. He is God manifest in the flesh. वो परमेश्वर जो मनुष्य का रूप धारण किया. Every knee should bow before him. सभी घुटने टिकेंगे परमेश्वर आगे. Tongue should confess. अरे जुवा कहेगी. That Jesus Christ is not just Lord. केवल यीशु मसीह केवल प्रभु नहीं. He is God. वो परमेश्वर है. He is God over everything. सब कुछ चीजों में वो परमेश्वर है. Today. आज. Is my God. वो मेरा परमेश्वर है. He is with me. वो मेरे साथ है. He always takes me to the other side. वो हमेशा मुझे उस पार लेके जाते हैं. And he does the same with you. और वो वही चीज तुम्हारे and साथ करते हैं. And he does the same with you. और तुम्हारे साथ भी वही करता है. And he does the same with you. तुम्हारे साथ भी वही करता है. He takes all of us on the other side. और वो हम सभी को उस पार लेके जाते हैं. I want you to hold on to God's promise. मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग परमेश्वर के वादे के ऊपर पकड़ के रखिए. The God who promised you. जो परमेश्वर ने वादा किया. He will fulfill it. वो फुलफिल जरूर करेगा. Oh, when everything was good in your life. जब सब चीजें आपके जीवन में सही हैं. How wonderfully happy you were. कितना आप खुश थे उस समय. When you were up on the top of the mountain of life. जब पहाड़ के चोटी पे थे उस समय. You were very happy. उस समय बहुत ही खुश थे. The God of the mountain. लेकिन जो परमेश्वर जो है. He is the God of the valley. और वो the God of the hell.
जो स्वस्थ का जो परमेश्वर है इज द गॉड ओवर सिकनेस और वो परमेश्वर है जो हमारे द गॉड ऑफ द प्रॉस्पेरिटी जो प्रॉस्पेरिटी का जो परमेश्वर है इज द गॉड ओवर पॉवर्टी और वो गरीबों का भी परमेश्वर ही विल टेक यू एंड मी थ्रू द अदर साइड और परमेश्वर हम सभी को उस पार जरूर लेके जाएंगे हालेलुया हालेलुया दैट्स माय गॉड वो मेरा परमेश्वर है एंड हिज नेम इज जीसस और उसका नाम यीशु मसीह है